अंदर 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 आ अंदर अभी फोन करता हूँ। बाहर 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 क्या करेगा को सैम पार्क सैम निकल निकल भाई 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 ओ भाई भाई एक मिनट भाई ओ मेरे भाई रुक जा ओ भाई एक मिनट भाई मेरे आराम से ओ एक मिनट फोन बंद कर लो प्लीज भाई यार राम करने कॉल करो ना यार ओए 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 भाई भाई ओए 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 नहीं करो नहीं करो नहीं करो क्यों डर रहे हो यार नहीं करो नहीं भाई ले जाओ यार प्लीज नहीं करो सारे सीधे ना ला गया ना पाना थोड़ी पॉइंट भाई अभी आप लोगों ने जो क्लिप देखी ना वो है मोटो व्लॉगर जानू स्टंट की। और यार जो लोग मोटो व्लॉगिंग करते हैं ना और जो इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं वो इसको यार क्लोजली फील कर सकते हैं कि कितना बुरा लगता है जब कोई गलती ना हो उसके बाद लोग डीफेम करने के लिए इतना कुछ करते हो। लड़के थे इन्होंने हमें किरतें चलाई हमारी चेन ले गए और पर्स में 2 लाख था पर्स में वो भी निकाल के ले गए। एक सरदार था ऑडी था जानू स्टंट्स प्रतीक्षा और अर्जुन और 4-5 और देखा ये देखो ना ये देखो मेरी नाक की बोन भी टूट गई है। ये के पास दो थी एक ऑडी थी व्हाइट कलर की। पर सबसे बड़ी बात है ये किसी एमएलए के बेटे नहीं है किसी कोई ऐसी गस्टेड पोस्ट पे नहीं है कि इनके पास वेपन किसने लॉ की है इनको शरेआम पूरा गुंडागर्दी वाला राज यहाँ से निकल के क्रिचे निकाल रहे रॉड निकाल रहे हैं मतलब क्यों कैसे चेन लूट ली इसकी 2 लाख रुपए लूटने की कोशिश की भाई वो बंदा 20 लाख की तो बाइक ले रहा है यार उसकी फैन फॉलोइंग है उसका फैन बेस है यार 1 मिलियन पे तो चैनल डिलीट हो रहा है यार आज की 1 महीने में उस बंदे ने 350K सब्सक्राइबर करके दिखा दिए यार। और दूसरी बात भाई उन्होंने कहा ओडी लेके आए अब यार 50 लाख की गाड़ी कोई लेके आएगा 2 लाख रुपए लूटने के लिए यार कोई तो सेंस लगाओ यार उस बंदे के तुमने कपड़े फाड़ दिए उस बंदे की तुमने नाक तोड़ दी और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे साथ ये हुआ यार तुम सारी बातें उल्टा उस बंदे को ब्लेम कर रहे हो। अच्छा हुआ यार उन्होंने कैमरे लगाए हुए थे वरना लड़कियां केस करती है ना तो बहुत जल्दी लड़कों के ऊपर उल्टा पड़ जाता है यार। और दूसरी बात मोटो व्लॉगर्स को तो पता नहीं लोग क्या ही समझते हैं यार वो मोटो व्लॉगिंग कर रहा है या तुम्हें लूट पाटने के लिए बाइक ली हुई है उसने यार अगर वो लूटने वाली बात होती ना तो तुम पलक नहीं झपक पाते और वो बंदा कहाँ से कहाँ होता 300 की स्पीड वाली तो बाइक ले रहा है यार वो। और भाई यार जानू भाई की फ्रेंड ने जो प्रतीक्षा उन पे भी उन्होंने बिना बात के अटैक किया यार वो बिल्कुल अलग खड़ी हुई थी और जाके उनसे हाथापाई करने लगे यार खींचातानी करने लगे और बहुत बहुत बुरा लगा यार देख के। और वो न्यूज़ चैनलों को बता रहे हैं कि यार चेन लूट ली पैसा लूट लिया फलाना ढिकाना क्या बातें कर रहे हो यार तुम भाई अगर उनके पास कैमरे ना होते ना तो उनका बचना मुश्किल हो जाता क्योंकि उन लोगों ने उनके ऊपर ब्लेम ही ऐसे ऐसे लगाए हुए हैं। और यार तुम होते कौन हो यार मारपीट करने वाले अगर तुम्हें लगता है उस बंदे ने कोई गलती की है तो तुम पुलिस में कंप्लेंट करो वो सही सॉल्यूशन निकालेंगे। तुम कौन हो यार वहाँ मारपीट कर रहे हो बीच में तुम्हें किसने अधिकार दिया मारपीट का। और यार जो भी अब तक देखा ना और जब जो भी सब कुछ आपके सामने है और इसमें कहीं से कहीं तक जानू भाई की कोई गलती नहीं है और बाकी तो आप देख ही सकते हो यार सपोर्ट करो भाई जानू भाई को सपोर्ट करो और जस्टिस मिलना चाहिए जानू भाई को। यार पुलिस के सामने तक उन्हें मारने की कोशिश की गई है भाई वो थाने में थे यार अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने गेट वेट बंद किया तब उनकी जान बची। अंदर 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 आ अंदर अभी फोन करता हूँ। बाहर 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 क्या करेगा को सैम पार्क सैम निकल निकल यार सामने कोई लड़का होता ना तो शायद जानू भाई भी अपने बचाव में कुछ हाथापाई कर सकते थे बट सामने लड़की है कुछ कर ही नहीं सकते। अगर वो गलती से भी एक धक्का भी उन्होंने दे देते ना तो एकदम से हो जाता कि यार लड़की को मार रहा है ना तो उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। अब जो भी फैसला करेगी वो पुलिस करेगी और भाई जस्टिस तो मिलना चाहिए जानू भाई को उनकी कोई गलती नहीं है यार।